वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज दोस्तों, आई एम धीरेन्द्र कुमार। आज हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस, या बोल सकते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी टाइप्स एंड देयर वैल्यू। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बायोडाइवर्सिटी रियल में होते क्या है, कितने टाइप के हैं, और यदि कोई भी आपके स्पीसीज में, चाहे प्लांट एनिमल माइक्रोब है, यदि उसमें कोई भी बायोडाइवर्सिटी हो रही है तो उसका क्या इकोनॉमिक वैल्यू है, क्या उसका आपका प्रोडक्शन क्या वैल्यू होगी, इस पर हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपका वेल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट किया जाए हम लोग वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल में बायोडाइवर्सिटी रियल में होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी इक्वल टू बायोलॉजिकल प्लस डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल मीन्स होता है ऑल लिविंग सिस्टम। ऑल लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की हम लोग बात करें तो बायोस्फीयर मीन्स होता है इन्वायरमेंट का वो पार्ट जहाँ पे जितने भी आपके लाइफ होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रोब है। यदि हम बायोडाइवर्सिटी को पूरा से डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपका क्या है, कम्बिनेशन होता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का और डाइवर्सिटी का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। देखा जाए जो भी वैरायटी ऑफ लाइफ, अब इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वर्ड है वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ की हम लोग बात करते हैं, आपके अर्थ पे प्लांट भी है, एनिमल भी है, माइक्रोब भी है। यदि हम इनको जो अर्थ पे एग्जिस्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम विद इन ए गिवन स्पीसीज इकोसिस्टम बायोम और एंड इंटायर प्लेनेट। जो भी इंटायर प्लेनेट है, जो भी आपका यूनिवर्स है, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, जितने भी आपके लाइफ है उनमें एक डिग्री में क्या होता है, आपके वेरिएशंस आपके होते हैं लाइफ में, वही डिपेंड करता है क्या, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इज ए मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम का जो हेल्थ होता है हम बायोडाइवर्सिटी से ही क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज फर्स्ट बाई वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट एंड कंजर्वेटिव, माने कंजर्वेशन जो साइंटिस्ट होते हैं, रेमोंड एफ डेसमैन इन द 1968। देखा जाए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो फर्स्ट टाइम जो यूज किए थे, ये आपके वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट थे, आपके जो डेसमैन इनका नाम है, तो इन्होंने 1968 में बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बारे में बताया। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज कोनेड बाई वाल्टर जी रोजन इन 1985। लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी टर्म सबसे पहले जो कोनेड किया था, ये आपका वाल्टर जी रोजन इन 1985। इट और इन्होंने क्या डिफाइन किया, इट द वराइटी ऑफ एनिमल प्लांट फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज लिविंग टूगेदर डाइट फॉर्म नेचर। देखा जो भी आपके प्लांट एनिमल है, माइक्रोब्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, जो एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी में एग्जिस्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लिविंग हैं, वही रियल में क्या डिपेंड करता है, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी आपकी कैसे हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहले हम लोग बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखा जो भी आपके अर्थ पे प्लांट है, एनिमल, माइक्रोब है, उनके जीन, उनका जो भी आपके जीन होता है, जो भी क्रोमोजोम्स होते हैं, जो भी आपके सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, वो हर एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, आपका वेरी करता है। इट इज रिफर टू द वेरिएशन एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल जीन एंड प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर पॉपुलेशन टू अडॉप्ट टू देयर एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आपके लाइफ अर्थ पे हैं, हर एक इंडिविजुअल स्पीसीज का एक स्पेसिफिक क्या होता है, जीन सीक्वेंस होता है, और वही डिपेंड करता है क्या, जेनेटिक सीक्वेंस। जैसे एग्जाम्पल की बात करें ह्यूमन को यदि हम लोग देखें तो ह्यूमन में भी क्या है, बिग डाइवर्सिटी है। अब जो बिग डाइवर्सिटी हो रहे हैं तो कहने का इन्वायरमेंट भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि आपके इंडिया में, आपके वर्ल्ड में डिफरेंट आपके मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है आपके ह्यूमन का, जो क्या करते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, सबका शेप, साइज, कलर, फेस, सब कुछ क्या करता है, सेग्रीगेट होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, और जो डिफ्रेंशिएशन होता है वही डिपेंड करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी स्पीसीज में जो डाइवर्सिटी है वो किसके कारण हो रहा है, उसके जीन के कारण होता है, उसके न्यूक्लियोटाइड के कारण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी रिफर टू द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। देखा जाए हम अर्थ पे बात करें, किसी भी हम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में चले जाएं,
किसी स्पेसिफिक हम लोग एरिया में चले जाएं, बायोम में चले जाएं, तो वहां पे देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं अर्थ पे, और वो क्या होते हैं हर एक स्पीसीज को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इंक्लूड द मेनी टाइप ऑफ बर्ड, इंसेक्ट, प्लांट, फंजाई, एनिमल्स, मैमेलियंस एंड मोर ऑल्सो एंड सो ऑन। अब अर्थ पे बात करते हैं बर्ड से लेकर के इंसेक्ट, ह्यूमन, ये सभी क्या है एक प्रकार की स्पीसीज डाइवर्सिटी है। हर एक एनिमल, हर एक प्लांट का एक स्पेसिफिक क्या होता है स्पीसीज होता है। मेनी डिफरेंट स्पीसीज लिव टुगेदर इन ए कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन ईच अदर टू प्रोवाइड देयर नीड। अब इसमें देखा जाए जो भी आपकी स्पीसीज है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होते हैं किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी में क्या होते हैं एग्जिस्ट होते हैं, और एक फूड चैन को क्या करते हैं वो लोग बैलेंस करते हैं। जैसे उनकी नीड होती है उस नीड के कारण क्या इकोसिस्टम क्या को क्या करते हैं आपको बैलेंस करते हैं कौन स्पीसीज डाइवर्सिटी। थर्ड की बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखा जाए इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द वराइटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी सच एज फॉरेस्ट, डिसर्ट, ग्रास लैंड, स्ट्रीम दैट इंटरैक्ट विथ वन एंड अदर विथ देयर फिजिकल एंड केमिकल नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। दैट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बेस्ट इज अपर द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिसर्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दैट द वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम। और हम लोग इसमें बात करते हैं जितने भी आपके इकोसिस्टम, हर एक इकोसिस्टम में क्या है एक स्पेसिफिक फूड चैन है जो क्या करते हैं वहां पे जितने भी स्पीसीज हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं और वहां के इकोसिस्टम को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। लेकिन वहां पे जो भी स्पीसीज होते हैं सब क्या होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं डिफर होते हैं। दैट इज नोन एज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अब इंपॉर्टेंट जो होता है प्लांट एनिमल माइक्रो में भी जो वेरिएशन है डाइवर्सिटी है तो क्या इसकी कोई वैल्यू भी होती है तो बोला गया यस वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्योंकि जो भी आपके लोग हायर कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं कमर्शियल यूटिलिटी बात करते हैं इकोलॉजिकल सर्विस सोशल एंड एथेंटिक वैल्यू इज द इनॉर्मस। द बायोडाइवर्सिटी वैल्यू मे बी क्लासीफाइड। अब बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं वन बाई वन। अब देखा जाए जो भी आपके अर्थ पे प्लांट है एनिमल है माइक्रोब्स है। अब पहला हम लोग बात करते हैं किसका आपके कंजप्शन की हम लोग बात करते हैं कंजप्टिव वैल्यू की बात करते हैं। द बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेन द ग्लोबल फूड सप्लाई। देखा जाए पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात करते हैं ग्लोबल की बात करते हैं में जो फूड की सप्लाई होती है। अब देखा जाए इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक प्लांट हो एनिमल हो माइक्रोब है जो उनके लिविंग के लिए क्या चाहिए मतलब एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें प्लांट प्लांट टेक डायरेक्टली एनर्जी फ्रॉम सन या सनलाइट उसे ले रहा है। सेकंड बात करते हैं ह्यूमन एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में भी क्या है बिग डाइवर्सिटी है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फूड चैन को क्या करता है अप्लाई करता है फूड चैन को क्या करता है आपके अडॉप्ट करता है। जैसे हर्बीवोर है कार्निवोर है ओमनीवोर है मीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल क्या होते हैं आपके यूज होते हैं लेकिन वो सभी कहाँ से इनटेक कराए कहीं ना कहीं जो प्लांट एनिमल में डाइवर्सिटी है उसी के थ्रू हो रहा है। द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड इंक्लूड एनिमल फिश प्लांट प्रोडक्ट्स। देखा जाए ह्यूमन का मेन जो फूड आपके हैं मेनली प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं और जो भी एक्वेटिक लाइफ जो आपके होते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ होते हैं वही मेन सोर्स होते हैं किसके फूड के। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपका है ठीक ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट आर कंज्यूम बाय ह्यूमन बीइंग एज ए फूड। देखा जाए प्लांट की बात करते हैं बहुत से आपके प्लांट हैं आपके जिसको क्या करते हैं ह्यूमन उसको कंज्यूम करता है। ए फ्यू एनिमल स्पीसीज आर कंज्यूम बाई पीपल। बहुत से आपके एनिमल्स होते हैं वेल नोन है हम लोग जानते हैं चाहे हम कैटल्स की बात करें पिक की बात करें शीप गोट बफेलो चिकन डक डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है स्पीसीज है जो ह्यूमन क्या करता है जो फूड के रूप में क्या होता है कंज्यूम करता है। ड्रग्स एंड मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके होते हैं इसकी वैल्यू की बात करते हैं कंज्यूमर की बात करें अप्रोक्स 75% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड ऑन प्लांट और प्लांट एक्सट्रैक्ट फॉर मेडिसिन। देखा जाए पूरे वर्ल्ड की बात करें ये कहना कि मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है कंपोनेंट है एक आपका कंपाउंड्स है जो किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो सब स्टेट कहाँ किया जा रहा है तो यदि हम उसको यहाँ पे देखें तो प्लांट सोर्स एक मेजर आपका है जो क्या हो रहा है अप्रॉक्स 75% जो पॉपुलेशन जो आपका डिपेंड हो रहा है किसे प्लांट स्टेक्ट है। जैसे हम ड्रग की बात करें जैसे पेंसिलिन पेंसिलिन की बात करते हैं ये भी एंटीबायोटिक है जो किससे आइसोलेट किया गया फंगस से
फंगस ईयर में क्या प्लांट है, टेट्रासाइक्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट आपका एंटीबायोटिक होता है जो कि आइसोलेट किया जाता है बैक्टीरिया से और जो क्योर करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज को। जैसे हम बात करते हैं एक डिजीज का नाम बताते हैं, जैसे क्योर मलेरिया, मलेरिया को क्योर करने में भी क्या है इसका बहुत इंपॉर्टेंट। और ये ऑप्टेन कहाँ से होता है, मलेरिया को जो क्योर करता है ये ऑप्टेन कहाँ पे होता है, देखा जाए बॉर्क ऑफ चिनकोना ट्री, चिनकोना ट्री से क्या होते हैं आपके मलेरिया को ट्रीट करने लिए आपको होता है। तो टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक है, पेंसिलिन का एंटीबायोटिक है, मलेरिया से क्योर करने वाले बहुत से प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं जो हम लोग आइसोलेट किए जाते हैं। फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, फ्यूल द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस आर प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखा जाए बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्यूल्स, चाहे कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें या नेचुरल गैस की बात करें, दिस द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्टिव वैल्यू, प्रोडक्टिव वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको होता है। सम ऑफ द ऑर्गेनिम आर कमर्शियल वैल्यू वेयर द प्रोडक्ट इज मार्केट एंड सोल्ड, देखा जाए बहुत से आपके प्लांट एनिमल में हैं जो उनमें डाइवर्सिटी है, उसके प्रोडक्ट को मार्केट में क्या हो रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। जैसे एनिमल प्रोड्यूस एनिमल प्रोडक्ट लाइक टस्क ऑफ एलिफेंट, मांस फ्रॉम डियर, सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म, वूल फ्रॉम शिप आर गुड। अब इसमें देखा ये सब क्या है आपके प्रोडक्ट्स हैं जो किससे आपके एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, आपके आपके डायरेक्टली एनिमल्स हैं जो क्या किया जा रहा है आपको एक प्रोडक्टिव वैल्यू हो रहा है। अब देखा जाए ये सभी एनिमल्स हैं, एनिमल में डाइवर्सिटी है और उनके प्रोडक्ट्स को क्या हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। सोशल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, सोशल वैल्यू देखा जाए बहुत से रिलीजियस आपके हैं इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्लांट में जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ और रिलीजियस की यहाँ पे बात करते हैं। रिलीजियस की हम बात करते हैं तो आपके जैसे हम किसी भी रिलीजियस की बात करें तो आप देखा जाए बहुत से आपके रिलीजियस के लोग होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को आपको कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक सोशल वैल्यू के रूप में रिलीजियस को लेकर करते हैं। जैसे बात करें तुलसी, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है प्लांट है जिसमें बिग डाइवर्सिटी है, उसको लोग रिलीजियस के लिए लोग यूज करते हैं। मैंगो लीफ, बहुत से हमारे घरों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पूजा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं जिसमें मैंगो लीफ यूज किया जाता है। बनाना लीव्स, ये भी आपके बनाना लीव भी क्या है बहुत आपके मेजर। तो ये देखा जाए, अब देखा जाए चाहे तुलसी बात करें, मैंगो या बनाना, ये सभी क्या है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट आपकी स्पीसीज है, मतलब क्या है बायोडाइवर्सिटी का कहीं ना कहीं सोशल वैल्यू में भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इथिकल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको होता है, इथिकल वैल्यू की बात करें द इथिकल वैल्यू मीन्स द दैट ह्यूमन बीइंग मे आर मे नॉट बी यूज सर्टेन स्पीसीज बट नोइंग द वेरी फैक्ट दैट दिस स्पीसीज एग्जिस्ट इन नेचर गिव प्लेजर। एग्जाम्पल की बात करें आपका पिकुलियर स्पीसीज ऑफ पिगन, ग्रे वाइट बर्ड विथ शॉर्ट लेग इज नो मोर ऑन द अर्थ ऑन दिस अर्थ, डोडो स्पीसीज इज ऑल्सो नो मोर ऑन अर्थ, ह्यूमन बींग आर नॉट ड्राइव एनी थिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंगारू जिराफ बट स्ट्रांगली फील डैट दीज स्पीसीज शुड एग्जिस्ट इन नेचर। देखा जाए इथिकल वैल्यू की बात करते हैं, हम लोग वेल नोन जानते हैं कि हम लोग की एक्टिविटी से क्या होते हैं एनिमल्स पे बहुत बड़े मेजर क्या होते हैं आपके इफेक्ट पड़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुत से आपके एनिमल हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी कारण क्या हो रहा है आपके अर्थ से धीरे धीरे क्या हो रहा है आपके एक्सटिंक्ट होते चले जाए एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है उनमें एक प्रकार के नेचर में डाइवर्सिटी हुआ, आपके इन्वायरमेंट में चेंज आए, वो इन्वायरमेंट में चेंज क्या हुआ कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी कॉज कर दिया और वो बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ कहीं ना कहीं आपके अर्थ पे जो भी आपके प्लांट हैं एनिमल्स हैं बहुत से ऐसे एनिमल दीदी क्या हो रहे हैं आपके एक्सटिंक्ट होते चले गए। तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का एक इथिकल आपके वैल्यू भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एथेंटिक वैल्यू की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी वन ऑफ अस वुड लाइक टू विजिट वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड टू एंजॉय द वेजिबल लाइफ वेल नोन है। पीपुल फ्रॉम वॉक इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मनी टू विजिट लाइफ एरिया वेयर दे कैन इंजॉय द एथेंटिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इज नोन एज इको टूरिज्म। देखा जाए हम लोग बात करें हमारे अर्थ पे बहुत से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे आपके प्लांट एनिमल में बहुत से आपके बहुत से आपके क्या है वेरिएशंस हैं और उस जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक अट्रैक्शन का केंद्र भी बन रहा है जिससे लोग क्या कर रहे हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या हो रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं वॉक कर रहे हैं घूम रहे हैं
और कहीं ना कहीं वहाँ का जो नेचुरल जो ब्यूटी है उसको क्या करें, अडॉप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक प्रकार के वो प्लांट में बायोडावर्सिटी होने के कारण क्या हुआ, उनकी कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक वैल्यू हो गई। इको टूरिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस्टीमेट टू जनरेट $12 बिलियन रेवेन्यू एनुअली, डैट गिव द एथेंटिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखा जाए जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट एनिमल में जो डाइवर्सिटी हो रही है, वो डाइवर्सिटी लोग क्या करें वहाँ पे देखने जा रहे हैं, तब वहाँ पे घूमने जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे, यदि हम इकोनॉमी की बात करें, नियर बाय $12 बिलियन, बहुत बिग आपका अमाउंट है, इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है वहाँ पे इनकम आपका जनरेट हो रहे हैं, तो ये कहना कि क्या उसको करें ऑथेंटिक वैल्यू की बात करते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल नेशनल एंड लोकल लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, जितने भी आपके कंपटीशन होते हैं इनमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो dkumarlifesciencesclasses@gmail.com पे आप अपना क्वेरी सेंड कर सकते हैं, तुरंत आपका सोल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।